वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको मूंग दाल की मंगोड़ी बनाना बताऊंगी। बहुत जगह मंगोड़ी को बड़ी भी बोलते हैं, मार्केट भी आसानी से मिल जाती है, लेकिन घर की बनी हुई मंगोड़ी की तो बात ही कुछ और है। घर की बनी हुई मंगोड़ी शुद्ध होती है और ये 3-4 साल तक खराब नहीं होती है। इसके लिए हमें क्या करना है ये मैं आपको मेरे वीडियो में बताऊंगी। आप मेरा वीडियो पूरा ध्यान से देखे, कुछ खास टिप्स भी मैं आपको दूंगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम हमने ली है मूंग की दाल छिलके वाली, 250 ग्राम हमने लिया है चौले की दाल, ये भी हमने छिलके वाली ली है, 3 टीस्पून हमें चाहिए लाल मिर्च, नमक चाहिए हमें स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून लिए हमने हींग पाउडर। सबसे पहले हमें मूंग की दाल को और चौले की दाल को दोनों को अलग अलग पानी में भिगोना है 7-8 घंटे तक। दाल हमारी भीग चुकी है, ये देखिए छिलके अपने आप ही उतरने लग गए हैं। ये देखिए फूल के डबल हो गई है दाल। अब हम इनके छिलके उतार लेते हैं। पहले हम चौले की दाल के छिलके उतारेंगे, उसको एक बड़ी परात में हम डाल देंगे। दोनों दालों के हमें अलग अलग छिलके उतारने हैं और अलग अलग ही हमें इनको पीसना है। अब हम थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे, अच्छी तरह हमें इसको मसल मसल के छिलके उतार लेने हैं, फिर हम इसका पानी निकालेंगे। इस तरह पास में एक खाली भगोनी रख लेंगे हम, उसमें धीरे धीरे ये पानी इस तरह हम हल्के हाथ से डालेंगे कि छिलके हमारे निकल जाए। ये देखिए सारे छिलके हाथ में आ जाते हैं। इस तरह हम थोड़ा और पानी डालेंगे इसमें। इसमें हम और पानी डाल देते हैं। इस तरह हमें दोनों हाथों से अच्छे से इसको मैश कर देना है ताकि छिलके निकल जाए, और उसी प्रोसेस के साथ हम इसका पानी वापस निकालेंगे। ये देखिए बड़ी आसानी से छिलके निकल आते हैं। ये देखिए सारा पानी निकल आया इसमें और छिलके सारे आगे की ओर आ गए हैं। इस तरह हमें पूरी दाल धो लेनी है। आप देख सकते हैं कि काफी हद तक हमारी दाल धुल चुकी है, लेकिन फिर भी अभी कुछ छिलके इसमें बाकी है, इसको हम हाथ से भी हटा सकते हैं। थोड़ा पानी हम और डालेंगे। इस तरह हमें 5-6 बार करना है। पानी खूब अच्छा डाल के इसको मसलना है और वापस उसी प्रोसेस के साथ हम इसका पानी निकालेंगे। इस तरह हम सारा पानी निकाल लेंगे इसको हल्का सा हिलाते हुए ताकि सारे छिलके आगे की ओर आ जाए। इस तरह जब तक हमारे छिलके पूरे नहीं निकलते तब तक हमें करना है, छिलका हमें एक भी नहीं रहने देना है। आप देखिए चौले की दाल हमारी धुल चुकी है, इसी तरह हम मूंग की दाल को भी धोएंगे। बहुत से लोग तो चौले की दाल को मंगोड़ी में यूज नहीं लेते, लेकिन इसको लेने से हमारी मंगोड़ी बिल्कुल अच्छी और सॉफ्ट बनती है। उसी परात में अब हम मूंग की दाल धो लेते हैं। थोड़ी थोड़ी करके हमें धोनी है, 2-3 बार में हम इसको धो लेंगे अच्छी तरह। बिल्कुल वैसे ही हमें इसको दोनों हाथ से मसल लेंगे और उसी प्रोसेस के साथ हमें इसका पानी निकालना है। ये देखिए आराम से आप देख सकते हैं ऐसे कितने अच्छे छिलके निकल आए हैं। इस तरह हम हाथ लगा देंगे ताकि दाल हमारे नीचे नहीं जाए। इस तरह हम कर सकते हैं, ऊपर के जो दिख रहे हैं उनको हम हटा सकते हैं। अभी हम इसमें और पानी ऐड करेंगे और फिर से वैसे ही हमें इसको रिपीट करना है। इस तरह पानी बहुत अच्छी मात्रा में हमें इसका डालना है। दाल अच्छी भीगी हुई होगी तो छिलके अपने आप ही उतर जाएंगे। ये देखिए उसी प्रोसेस के साथ मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। इस तरह थोड़ा थोड़ा हिलाना है ताकि सारे छिलके आगे की ओर आ जाए। ये देखिए कितने सारे छिलके निकल आए। थोड़ा सा हाथ से हम ले लेंगे। ये देखिए इस तरह हमें सारी दाल धो लेनी है। इन छिलकों को हमें फेंकना नहीं है, इसके हम पराठे भी बना सकते हैं। आप देखिए दोनों दालें हमने धो ली है। अब हम इन्हें मिक्सी में अलग अलग पीसना है, ज्यादा हमें बारीक नहीं करना है। पानी का यूज भी हमें नहीं लेना है। ये देखिए
दाल को हमने दोनों को अलग अलग पीस लिया है। अब हम इनमें मसाला ऐड करेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, नमक भी ऐड कर देंगे हम डालेंगे। जो हमने चावले की दाल ली थी वो भी अब हम इसमें मिक्स कर देंगे और इन सब को हमें अच्छी तरह मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। एक बार हम हिला लेंगे इसको और अब एक बार हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे ताकि पूरा मसाला और दाल सब अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह देखिए हमने इसको पीस लिया है। अब बहुत अच्छे से हम 6-7 बार चम्मच से भी अच्छी तरह इसको मैश कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल हल्की हो जाए। एक बात का हमें खास ख्याल रखना है, इस बैटर में हमें बार बार अपने हाथ नहीं डालने हैं। ये हमारी खास टिप्स है, बार बार हाथ डालेंगे तो बैटर जो है हमारा और पतला हो जाएगा। बिल्कुल हमें इस तरह का बैटर रखना है। बहुत सी जगह तो मोठ की दाल की भी मंगोड़ी बनाते हैं, मोठ की दाल की मंगोड़ी भी आप बना सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रोसेस के साथ उसको भी भिगोकर उसके छिलके उतार लेना है और फिर मसाला डाल के उसी तरह जैसे हमने ये करा था मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। जैसे आपके दाल अवेलेबल है आप उसकी बना सकते हैं। अब मैं बताती हूँ इसको हमें कैसे लगाना है। इसको मैं आज आपको प्लास्टिक पे लगाना बताऊंगी, उससे हमारी मंगोड़ी आसानी से उतर जाती है। आपके पास प्लास्टिक अवेलेबल हो तो आप उसी से लगाएं, नहीं तो आप कोई भी प्लेट या कॉटन कपड़ा भी ले सकते हैं। हमने प्लास्टिक लगा लिया है, अब हम लगाते हैं मंगोड़ी। इस तरह मंगोड़ी लगाने का कंटेनर भी आता है मार्केट में, ये देखिए, इससे भी आप लगा सकते हैं। आपके पास ये नहीं है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे लगाना है। इसमें हम थोड़ा बैटर डाल लेते हैं और इसको बंद कर लेते हैं। इस तरह देखिए हम लगा सकते हैं, ये आप देखिए बड़ी आसानी से लग जाती है। ये देखिए बहुत सी जगह तो इस तरह हाथ से भी लगाते हैं। इस तरह हमें गोल गोल करके लगाते जाना है। इस तरह भी आप लगा सकते हैं, ये भी आसानी से लग जाती है। दो लेडीज मिलके भी लगाए तो बातें करते करते सारा काम हो जाता है। ये देखिए इस तरह गोल गोल करके तोड़ लेना है इसको और लगाते जाना है। इस तरह एक स्टाइल में आपको और दिखा लेती हूँ। ये जो अमूल दूध की थैली आती है इसमें मैं आपको लगाना बताऊंगी। इसके अंदर हम बैटर को डाल लेते हैं। इसको धो के मैंने सुखा लिया, साफ कर लिया है। ये देखिए बैटर को मैंने इसमें डाल लिया है। इस तरह अब हम पकड़ लेंगे इसको, कोन के जैसे बना लेंगे, कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ से एक छोटा सा हम होल करेंगे। इस तरह देखिए छोटा सा हमें कट कर देना है और अब मैं आपको लगा के बताती हूँ। देखिए मैं थैली से लगाना बताती हूँ। इस तरह हम लंबा लंबा भी लगा सकते हैं, ये देखिए बड़ी आसानी से लग जाती है। ये देखिए वो फटाफट ये लग जाती है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, जितना लंबा चाहे हम इसको ले सकते हैं। और अब मैं आपको गोल वाली लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए ये भी फटाफट लग जाती है। जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको पसंद हो उस शेप की हम लगा सकते हैं। ये देखिए जितनी बड़ी छोटी आपके अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हैं, फटाफट लग जाती है। ये देखिए इस तरह हमें सारी मंगोड़ी लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह मैंने सारी मंगोड़ी लगा ली है। एक खास टिप्स मैं आपको बताती हूँ, इस दाल से हम पकौड़ी भी बना सकते हैं। इसमें मिर्च धनिया बारीक बारीक करके मसाला और तेज करके हम पकौड़ी भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह हमने सारी मंगोड़ी लगा दी है। जहां पे भी बीच में जगह हो वहां पे भी हम इसको भर देंगे, ये आसानी से उतर जाती है। इस तरह देखिए मैंने आपको दोनों स्टाइल की मंगोड़ी लगाना बताई है, गोल भी और लंबी भी, जैसे आपकी मर्जी हो आप लगा सकते हैं। अब हम इसको धूप में सुखा लेते हैं। कम से कम 3-4 दिन तक हमें अच्छी धूप लगानी है, इस बात का खास ध्यान हमें रखना है, नहीं तो हमारी मंगोड़ी खराब हो सकती है यदि धूप कम लगी तो। जब तेज धूप आए तभी हमें मंगोड़ी बनानी है। आप देख सकते हैं
एक दिन हो गया है और मंगोड़ी हमारी सूख गई है। ये देखिए ये अपने आप ही उतरने लग गई है। अब हम इसको उतार लेते हैं। ये देखिए बड़ी आसानी से ये उतर जाती है इस तरह। ये देखिए इसको अब हम एक बड़ी प्लेट में डाल लेंगे। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी ये हमारी मंगोड़ी सॉफ्ट बनी है। यो करके टूट रही है और ये गोल वाली भी देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ऐसे करके ही टूट रही है। बड़ी परात ली है हमने, इसमें हम सारी मंगोड़ी डाल देते हैं सुखाने के लिए। अब इसको हमें और सुखाना है। इस तरह हम इसको फैलाकर 3-4 दिन के लिए हमें धूप लगानी है ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह सूख जाए। 3-4 दिन हो गए हैं, अब इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में भर लेते हैं। यदि मंगोड़ी को हमें लंबे समय तक रखना है तो 3-4 महीने में एक बार हमें तेज धूप लगानी पड़ेगी जिससे मंगोड़ी खराब नहीं होगी। इस बात का आप ध्यान रखें। इस तरह घर पर हम आसानी से मंगोड़ी बना सकते हैं। सर्दियों के सीजन में तो मंगोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। बाजरा दलिया खिचड़ी के साथ भी हम इसे खा सकते हैं और ये सब्जी में आलू का काम करती है। जिस प्रकार सब्जी में आलू डालने से उसका स्वाद 10 गुना ज्यादा हो जाता है, उसी प्रकार दूसरी सब्जियों में मंगोड़ी डालने से उसका स्वाद भी 10 गुना ज्यादा हो जाता है। इस तरह हम मंगोड़ी को पालक मूली आलू मटर किसी भी सब्जी के साथ मिक्स करके इसकी सब्जी हम बना सकते हैं। मंगोड़ी की सब्जी हमें कैसे बनानी है बहुत जल्द मैं इसका वीडियो लेकर आऊंगी। आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।